नमस्कार, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट कट्स। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो आज है शुक्रवार, यानी कि बॉलीवुड की चटपटी और धमाकेदार फिल्म रिलीज होने का दिन। तो ऐसे में ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मरजावां के पब्लिक रिव्यूज। आपको बता दें कि इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आई हैं। इसी के साथ ही रितेश देशमुख ने इस फिल्म में विलन का कैरेक्टर निभाया है। तो चलिए जानते हैं लोगों से कि उन्होंने इस फिल्म को कितनी रेटिंग्स दी है, साथ ही इस फिल्म को देखने के बाद उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। सो ओवरऑल मैं आपके एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी, कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहूंगी, विलेन के रोल के बारे में काफी कुछ कहा गया है, और जैसे कि कहा गया कि मूवी की शुरुआत ही दशहरा के सीन के साथ होती है, तो उसकी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अगर दशहरा की बात की जाए तो एकदम वैसे ही प्लॉट था जैसे अब रावण और आपका राम जाके करते हैं, एकदम ख़त्म होती है आपकी उसकी रामलीला जैसे स्टार्ट हुई वैसे ही हुआ। और अगर विलन की बात की जाए तो विलन की रितेश देशमुख एक्टिंग बहुत अच्छी है, साथ में हीरो तो माशाल्लाह। तो जैसे कि आपने मरजावां मूवी देखी है, तो आपके रिव्यूज़ कैसे रहे हैं, आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे इस मूवी को? मैं 4 की रेटिंग ही दूंगा, क्योंकि मूवी एक्शन तो थी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत अच्छी मूवीज़ करता है, बट ये बॉलीवुड मूवीज़ एक्शन थोड़ा ओवर टॉप चला जाता है, तो और मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी और मज़ा भी आया देखने में। इसमें विलेन के रोल में जैसे कि कहा जा रहा है रितेश देशमुख के बारे में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देशमुख बहुत अच्छे विलेन के रोल करता है, उसे विलेन के रोल करने चाहिए। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखने के बाद, और साथ ही मैं रेटिंग्स जानना चाहूँगी कि आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे इस मूवी को? मूवी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी इमोशनल थी, काइंड ऑफ इट्स अ लव स्टोरी, एंड आउट ऑफ 5 मैं इसे 4.5 रेट करूँगा। जैसा कि मैंने सुना है कि ये एक वॉयलेंट ड्रामा ड्रामेटिक मूवी है, और इसमें काफ़ी कुछ कहा गया है रितेश देशमुख के विलेन कैरेक्टर को लेकर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से उनका कैरेक्टर था, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा उसे अपना रोल निभाया है, एंड एक्टिंग अच्छी थी उनकी इस फिल्म में। तो एंटरटेनमेंट कट्स के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही लौटेंगे किसी नई फिल्म के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एबीसी स्टार न्यूज़। नमस्कार।